So today we'll discuss about the homework. So it is basically a review session. Let's look at the very first question. You were given with the figure. I will simply give you the overview of the question. I will not provide you the explain you the complete solution. So as you look for the very first question, you are given with a figure which consists of two triangles. You have to find angle this one. ये वाला एंगल एंगल एस क्यू टी एस सॉरी नॉट दिस वन यू हैव टू फाइंड एंगल एस क्यू टी मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एंगल. तो अब इस एंगल पे हम कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले आपको ये वाली ट्राइंगल में यू नो टू एंगल्स, तो आप थर्ड वाला निकाल सकते हो. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. अगर ये वाली प्रॉपर्टी का अगर आप यूज़ करो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो आप इन दोनों का सम 180, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा. राइट अब क्या करना है? आपके पास इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल है. अगर आप ये देखो, सो हियर इट इज़ एक्स फॉर्मेशन, ये एक्स बन रहा है. तो अगर आपके पास ये वाला एंगल 45 आ गया तो ये भी 45 हो जाएगा. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट, I will show you with a different color. If you talk about this triangle, इस ट्राइंगल में एक एंगल आपको ऑलरेडी गिवन था, एक हमने अभी फाइंड आउट कर लिया कि 45 है. तो थर्ड एंगल अगेन बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन इवेल्यूएट. तो हियर आई विल बी शोइंग यू. तो आप उन तीनों एंगल्स का सम 180 लिख दोगे. 45 प्लस 75, ये वाला हमने अभी 45 इवेल्यूएट करा है, ये 75 है. तो 180 में से अगर आप इन दोनों का सम माइनस कर दोगे तो यू विल गेट एंगल एस क्यू टी जो आपसे पूछा गया है. सो आई होप ये क्वेश्चन करने में आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपका हो गया होगा. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स. यू आर गिवन दैट पी टी एज दिस पी टी इज परपेंडिकुलर टू पी एस सॉरी इट शुड बी पी क्यू नॉट पी पी टी. सो पी टी एज पी एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. पी एस एंड पी क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी या एस आर. एंगल एस क्यू आर एंगल एस क्यू आर ये वाला एंगल आपको गिवन है 28 डिग्री. एंगल क्यू आर टी क्यू आर टी दिस एंगल इज गिवन एज 65 डिग्रीज. आपने एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है. तो सबसे पहले अगर आप देखो, आपको इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 पता है, राइट? और ये क्या, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये हो रहा है जी फॉर्मेशन. तो अगर ये पूरा एंगल 65 है तो ये पूरा भी 65 होगा. इसमें से आपको छोटा सा पता है 28, तो 65 में से 28 इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट देन यू विल गेट दिस एंगल. अब अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो आपने ये अभी निकाल लिया है x, ये 90 आपको पता है, और ये कैसे आ जाएगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में दे आर टॉकिंग जस्ट अ मिनट. यस, सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इज रिटन, वही लिखा है एंगल पी क्यू आर इज सेम एज एंगल क्यू आर टी, रीजन बींग ऑल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल पी क्यू आर इज एक्स प्लस 28 एंड क्यू आर टी इज 65. तो एक्स प्लस 28 इज सेम एज 65, तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट? तो अगर आपके पास एक्स आ गया देन वी विल लुक फॉर दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, एक हमने अभी वैल्यूएट करा है कि 37 है. तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180. सो आई होप ये क्वेश्चन करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, जिसमें आपने मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि इसका सोल्यूशन प्लीज़ एक्सप्लेन करिए. तो देखिए, सबसे पहले यू आर गिवन विद द फिगर. ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है. हमें प्रोवाइड क्या करा गया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, जो आपका एंगल पी क्यू आर है
उसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सेक्टर का मतलब जैसे आपको पहले ही पता है कि इट डिवाइड द गिवन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, तो आपको ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल दोनों के बाइसेक्टर्स गिवन है, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, टी पॉइंट पे, बस इतना सा गिवन है। सो आप गिवन में सिर्फ यही लिखोगे, यू कैन मार्क दीज एंगल्स एज एंगल वन एंड एंगल टू एंड दिस एज एंगल थ्री एंड एंगल फोर। सो यू कैन राइट एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर। अब हम इसमें एक नई प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो अभी तक हमने नहीं करी है इस चैप्टर में, दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, ये मैंने आपको बताई है इंट्रोडक्शन में, कि जब हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल का हम बाहर वाला एंगल ले लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, देन ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल के अंदर वाले दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। पर कौन से वाले दो हमने लेने हैं, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, एक ये वाला साथ वाला, ये वाला एंगल नहीं हम लेंगे, राइट। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, डन। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने वहीं से स्टार्ट करा है, जो हमारा एंगल पी आर एस है वो इस वाली ट्राइंगल के बाहर है, तो वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही हमने यहाँ पे लिख दिया। पर हमें क्या करना है, इसका हाफ कर देना, क्यों, क्योंकि हमने बात करनी है एंगल ये वाले की, इसकी, ये जो ये वाला, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये बड़े वाले एंगल का हाफ होगा, बिकॉज इट इज़ गिवन कि ये इसका बाइसेक्टर है। तो हमने पूरी इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दिया। अब हाफ ऑफ पी आर, दिस इज हाफ ऑफ पी आर एस, पी आर एस ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसका हाफ जो हम निकालेंगे वो टी आर एस भी हो सकता है, पी आर टी भी हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। हमने इसको क्या लिख लिया, टी आर एस लिख लिया, राइट। हाफ ऑफ पी आर एस टी आर एस हो गया, हाफ ऑफ पी क्यू आर एस का हाफ क्या हो जाएगा, टी क्यू आर, और हाफ ऑफ क्यू पी आर, क्यू पी आर इसका हाफ हमें पता ही नहीं क्या है, तो इसको एज सच लिखा रहने दो, राइट। सो अब दूसरी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, क्यू टी आर की, इस पे भी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें तो इसका ये वाला एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो वही लिख दिया। और यहाँ से हमारे पास टी आर एस की वैल्यू क्या आ रही थी, ये यहाँ से टी आर एस की वैल्यू क्या आ रही है, ये। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके पास। अब देखिए टी क्यू आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इट विल गेट कैंसल आउट, तो जो आपके पास बचा वही आपने प्रूव करना था। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स लुक एट द थ्योरम। द थ्योरम वॉज दिस वन स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास ओनली हैज़ सेंट मी द वर्क आफ्टर कम्प्लीशन, सो मैंने वहीं से लिया है, बिकॉज इसने वही लैंग्वेज में लिखा है जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था। सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे कि आपको ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है, बस और कुछ भी नहीं। हमने प्रूव करना है सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स एज 180। हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ लाइन पी आर पासिंग थ्रू क्यू सच दैट इट इज़ पैरेलल टू बी सी। सो वही लिखा है, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू आर पैरेलल टू बी सी, थ्रू क्यू लिखने की अब ज़रूरत नहीं है बिकॉज लाइन में आपने लिख दिया है पी क्यू आर, क्लियर। तो अब इसमें क्या है, हमने, अगर आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। वी हैव डन अ प्रॉपर्टी एंगल्स ऑन सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। रीज़न, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऑल्सो अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास ये Z भी फॉर्म हो रहा है, ये देखिए, बिकॉज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल है, तो एंगल 4 आपका एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली एक Z हमारा इधर भी फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब क्या होगा, आपको पता है कि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, तो जहाँ पे एंगल 4 है वहाँ पे आप एंगल 2 लिख सकते हो, जहाँ पे एंगल 5 है वहाँ पे आप एंगल 3 लिख सकते हो। उससे क्या होगा,
उससे क्या होगा, आपके पास जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। एंगल 2+1+3=180, इसको आप रीशफल करके 1+2+3=180 लिख सकते हो। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर द डे। नाउ वी हैव फिनिश्ड विद आर फर्स्ट 6 चैप्टर्स, सो काइंडली सबमिट द PDFs ऑफ द सेम विद योर ओल्ड रोल नंबर्स, राइट? And next week, tomorrow we will be starting with the new chapter, and I'll let you know which one we will start. Thank you.